सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सुनी और आपने देखना शुरू कर दिया है NST का YouTube चैनल। अभी हाल है हम जो है इंडिया की मैपिंग चल रही है और इसके बाद हम वर्ल्ड मैपिंग भी करेंगे और बाकी गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए जितने भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं सबको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस देखने के लिए प्रीवियस क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं राजस्थान, क्योंकि हम इंडिया का जो है पूरा एक स्टेट वाइज पूरा इंडिया पढ़ रहे हैं तो हम राजस्थान देख लेते हैं। और राजस्थान के अंदर जो इम्पोर्टेंट जगह है जो कि हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैपिंग नहीं आती है तो आप कितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कुछ भी पढ़ लीजिए आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैपिंग अच्छे से आती है तो आपके लिए वो सब्जेक्ट्स भी थोड़े आसान हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको नहर दिख रही है, यहाँ से नहर दिख रही है, ऊपर लिखा भी है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। विश्व में सबसे बड़ी ऐसी नदी जो सबसे बड़ी है और मतलब सिंचाई के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। देखिए आप देखोगे कि राजस्थान की तरफ जाइए ये, ठीक है ना, और आपको पता है राजस्थान के अंदर पानी की बहुत कमी होती है, तो जाहिर सी बात है कि नदी जब राजस्थान के अंदर घुसी है तो पानी को सप्लाई करने के लिए ही बनाई गई है। अगर बात करी जाए कि नहर निकली कहाँ से, तो ये निकली है जो आपके ब्यास नदी और सतलुज नदी दोनों का जो संगम है, ब्यास नदी और सतलुज नदी का संगम, वहां पर हरि के बैराज की जो परियोजना है उसको लगाकर वहां से इंदिरा गांधी नहर जो है उसको निकाला गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए ऊपर आपको एक गंगानगर, इधर एक जैसलमेर और इधर बाड़मेर और आपको मिलेगा ये बीकानेर। दोस्तों ये जो स्टेट हैं, सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती हैं, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी है? गन्नौर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है ना दोस्तों, क्या करती है ये? पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इधर देखिए, इधर मिलेगा आपको हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कालीबंगा यहीं पर है, जो हम कालीबंगा की हम बात करते हैं कि भाई कालीबंगा जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अब यह देखोगे आप, अगर आपने पढ़ चुके हो तो आपको पता भी होगा कालीबंगा कहाँ पर है, तो वो हनुमानगढ़ में ही है। ठीक है ना, और यहीं पर जो जुते हुए खेत होते हैं, मतलब जो पता चल जाए कि हाँ भी खेत की बाउंड्री थी, कभी जुते होंगे, उनके प्रमाण जो मिले हैं वो भी कहाँ मिले हैं? हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, इधर मिलेगा आपको बीकानेर। बीकानेर में जूनागढ़ का किला है और जूनागढ़ का जो किला है इसे राजा जय सिंह जी ने बनवाया था। ठीक है, देखिए इधर है जैसलमेर। जैसलमेर में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जैसलमेर जो है राजस्थान में सबसे बड़ा जिला है, और थार मरुस्थल का जो सबसे ज़्यादा भाग है वो भी इसी के अंदर है। देखिए ये जो पूरा है ना, ये थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल की अगर और बात करी जाए तो जो इंदिरा गांधी नहर आती है ना दोस्तों, उसका सबसे ज़्यादा जो पानी प्राप्त किया जाता है, रिसीव किया जाता है, वो कहाँ पर किया जाता है? आपका ये थार मरुस्थल के अंदर। इधर देखिए, ये रहा पोखरण, काफी इंपॉर्टेंट है। पोखरण वो जगह है मित्रों जहां पर परमाणु बम का परीक्षण किया गया। ठीक है ना, दो बार कोशिश करी गई, एक बार 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, और जब ये किया गया था तो उसके बाद जो दुनिया वाले थे, जो दूसरे देश वाले थे, उन्होंने माना ही नहीं इस बात को कि हमने परमाणु बम का परीक्षण कर भी लिया है। ठीक है, उनका मानना ये था कि इंडिया वालों ने कोई जो छोटे मोटे बम जो होते हैं उनका ही प्रयोग किया है, और लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उनके द्वारा कि परमाणु बम का परीक्षण किया हमने। लेकिन इसके बाद फिर 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर शक्ति के नाम से, ऑपरेशन शक्ति के नाम से फिर दोबारा से ऑपरेशन जो है वो किया गया परमाणु परीक्षण। ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर किया गया था तो काफ़ी मुसीबतों का सामना किया गया था। इस टॉपिक पर हम पूरा डिस्कस करेंगे कोई अलग वीडियो के अंदर। ठीक है चलिए मित्रों, आपको मित्र मिलेगा बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है, इसीलिए ऊंटों के लिए काफी प्रसिद्ध जगह भी है। कौन सी? बाड़मेर। देखिए दोस्तों, इधर है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में क्या है कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो माउंट आबू में है, और ये जो जैन मंदिर है ये विमल शाह ने बनवाया था सन 1021 में। इधर है उदयपुर। उदयपुर में पिछोला झील तथा फतेह सागर है। क्या है? पिछोला झील और फतेह सागर। इधर मिलेगा आपको चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़ वही जगह है दोस्तों जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 में चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करी थी, जिसमें जो चित्तौड़गढ़ के जो राजा जी थे वे रतन सिंह जी थे और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पद्मावती। और पद्मावती के वो देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था कि रतन सिंह के जो शहर है चित्तौड़गढ़ उस पर चढ़ाई कर दी थी। आपने पद्मावती मूवी भी देखी होगी, उसमें आपको ये चीज़ जो है उसका कंक्लूजन आपको बेसिक मिल जाएगा। आप ना कोई भी मूवीज जो हिस्टोरिकल होती हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आप पकड़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर एक्स्ट्रा होती है लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता है वो फिल्में। देखिए इधर मिलेगा आपको कोटा। कोटा में ना जो बिजली बनाई जाती है वो तीनों प्रकार से बिजली बनाई जाती है। कौन कौन से प्रकार से? एक तो परमाणु का यूज़ करके बिजली बनाई जाती है, कोयले का यूज़ करके बिजली बनाई जाती है, साथ ही साथ जल का भी यूज़ करके यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। तो कोटा की जब बात आएगी तो कोटा में तीन प्रकार से बिजली बनाने का काम किया जाता है। साथ ही साथ जो कोटा है वो चंबल नदी के तट पर है। देखिए दोस्तों इधर मिलेगा आपको नागौर। नागौर ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर ये 9 संसदीय क्षेत्रों को टच करता है और 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज जो लागू हुआ वो नागौर में ही हुआ था। इधर मिलेगा आपको मकराना। मकराना में ही ताजमहल का संगमरमर था दोस्तों, ताजमहल के लिए जो संगमरमर लगा वो मकराना से ही गया था। साथ ही साथ उस टाइम कई बिल्डिंग ऐसी भी थी जिनके गुंबदों पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था। सारा संगमरमर कहाँ से गया? मकराना से। इधर दिखेगा आपको आमेर। आमेर में राजा भारमल और जोधा भाई का निवास स्थान है। इधर आपको जोधपुर दिखाई देगा। जोधपुर के अंदर वायु जो जगह है ना, वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। जो वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर में। और जो सुखोई जहाज है जो कि काफ़ी खबरों में रहता है, आप सुखोई जहाज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, वो कहाँ पर खड़ा होता है? वो भी वायुसेना का जो सुखोई जहाज है वो भी जोधपुर में ही खड़ा होता है। इधर मिलेगी आपको जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। इसको पिंक सिटी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इधर है अजमेर। अजमेर जो है यहाँ पर चिश्ती जो संप्रदाय है उनके एक संस्थापक जी थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। उनका निवास स्थान कहाँ पर था? अजमेर में। आपने खबर में देखा भी होगा कि अजमेर चिश्ती की दरगाह, ठीक है, वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। देखिए एक जगह और इम्पोर्टेंट है, इस मैप के अंदर गायब है, माफ कीजिएगा, मिल गई। देखिए ये रहा पुष्कर, अजमेर के पास है। पुष्कर एक ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ पर पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है ना वो सिर्फ यहीं पर है। कहाँ पर? पुष्कर में। और यहाँ पर पुष्कर का मेला भी लगता है, पुष्कर मेला भी लगता है, ठीक है दोस्तों। इधर देखिए, इधर ना आपको दो नाम दिखाई देंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये वो दो जगह हैं दोस्तों जहाँ इन यहाँ से ना जो कर्क रेखा है हमारी वो इनको काटते हुए निकलती है। आगे यहाँ से मतलब कर्क रेखा जो है इन दोनों जगहों से होके गुजरती है। और अंत में एक बात और कि अगर इंडिया में बात करी जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट लैंड है, मतलब जो बर्बाद है जगह जिसका पुनर्उपयोग नहीं हो पा रहा है, यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पानी कम है, ज़मीन सूखी हुई है, खेती वगैरह वहाँ पर नहीं हो सकती, तो वो कहाँ पर है दोस्तों? वो भी राजस्थान में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का राजस्थान का जो टॉपिक हमने करवाया है वो काफ़ी हद तक आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर किसी एक अलग स्टेट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना ध्यान रखें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।